राम राम। हमारे इन्होंने जो जो कहती रही है निकाल के दिखाते हैं। नहीं वो कहाँ गया? जिम कहाँ है लड़का? जितेंद्र हेलो। यहाँ के व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोगों ने भी काफ़ी आके यहाँ पे अपनी बात रखी। और हाँ, मेरे छोटे भाई जो हैं ये सुशील कुमार जी मेरे साथ ही खड़े हैं। और हमारी दुकान जो है जयशील ज्वेलर्स के नाम से भगत सिंह रोड पर स्थित है, घास मंडी चौक से। और हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ी चोरी हो गई थी और जिसका जो है पुलिस ने जो है आज खुलासा कर दिया। और जो अभियुक्त पकड़ी गई हैं वो हमें दिखाया था उन्होंने, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से और जो हमने सीसीटीवी में फुटेज देखी थी उसके अनुसार हमें बिल्कुल 100% लग रहा है कि पुलिस ने इसमें जो है बहुत बड़ी मेहनत करके और जिस तरीके से खुलासा किया है। और सामान भी हमें पुलिस ने दिखाया, उसमें जो है जेएस की हमारी सील है और वो हमारा ही सामान है। और इसमें एसएसपी साहब और एडिशनल एसपी सीओसीटी और हमारे कोतवाल साहब का परवान और जो बहुत बड़ी टीम, जैसे बताया मुझे कोतवाल साहब ने कि इसमें एक बहुत बड़ी टीम का एक वर्क रहा है। मैं तो सब लोगों को फेस से भी परिचित नहीं हूँ। कितना माल चोरी हुआ? हमारा जो है लगभग 1.25 किलो सोने का जो डब्बा था वो पूरा चोरी हो गया। बरामद कितना हुआ? 20 तारीख में भगत सिंह रोड पे एक जयश्री ज्वेलर्स दुकान है, जहाँ ये सूचना प्राप्त हुई थी वहाँ से थाना कोतवाली को कि वहाँ से करीब 1.25 किलो जो स्वर्ण आभूषण हैं इनकी चोरी हो गई है। जब पुलिस द्वारा इसकी तहकीकात की गई तो कुछ चीज़ें इसमें सीसीटीवी कैमरे जो दुकान में लगे हुए थे उसमें कैद हुए। उसके बाद पुलिस द्वारा, हमारी कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा इसमें संयुक्त रूप से काफ़ी मेहनत करके मैनुअल तरीके से तथा इसकी टेक्निकल तरीके से जो हमारी तरकीबें हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया गया है, जिसमें 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और करीब 500 ग्राम सोने की बरामदगी अभी तक हुई है। अभी इसमें गैंग के 5 लोग फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। तो कौन कौन पकड़े? सर अगर गैंग की बात करें तो किस तरह का गैंग है, कितने इसमें सदस्य हैं? ये गैंग जो अभी जानकारी हुई है पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को कारित करते रहे हैं। मेरठ जनपद के खरखोदा थाने के रहने वाले हैं ये लोग। और इसमें गैंग में एक ही परिवार के ससुर, उसके लड़के, उसका पति, उसकी ननंद, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं 5, 6, 7 के ग्रुप में ये दुकान, सुनार की दुकान पर जाती हैं। कोई पजेब देखेगी, कोई अंगूठी देखेगी, कोई कुछ देखेगी। इनके प्रयास ये रहता है कि जितने दुकान पर लोग हैं उनका ध्यान बटाया जाए और मौका लगते ही उन्हीं आभूषणों में से कुछ आभूषण गायब कर देते हैं। कई बार क्योंकि इस वहाँ पे इस तरह की व्यावसायिक गतिविधि चलती रहती है, तत्काल उन्हें मालूम नहीं पड़ पाता है। हालांकि 1-2 मामले में पूछताछ पे ये भी संज्ञान में आया है कि ये लोग जब मौके पर पकड़े गए तो हाथ पैर जोड़ के चले गए कि गलती हो गई। लेकिन इनका मॉडस ऑपरेंडी यही है कि वहाँ पर जाके पूरी अव्यवस्था करते हैं, लोगों का ध्यान भटकाते हैं और अपना ले कर निकल लेते हैं।